हेलो दोस्तों, मैं शैलेश सिंह एक बार पुनः आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। मैं आपका अपने इस वीडियो में खैर मकदम करता हूं और मैं आज आपको खेल खेल में बहुत सारी ऐसी चीज बचाऊंगा जो एक एचआर प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम प्रोफेशनली करते तो रहते हैं लेकिन क्षण में उसको भूल भी जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है डू यू नो। तो आज की ये सीरीज हमने अब स्टार्ट की है डू यू नो, जिसमें हम आपको छोटी छोटी बातें बताते रहेंगे। तो आज पहले मेरा जो सबसे पहला चैप्टर है वो ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन एट वर्क प्लेस, जो कि एक्ट 2013 में पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। इसके बारे में मैंने आपको बड़ा ही विस्तृत रूप से पहले भी बताया था, लेकिन आज हम आपको इसकी टाइमलाइन के बारे में बताएंगे। लोग कमेटी बनाते हैं, एसीसी कमेटी बनाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमें टाइमलाइन के अंदर सारे काम को करना है, नहीं तो हमारी इंक्वायरी प्रभावित होगी और हम ला के अगेंस्ट हो जाएंगे, ला के विरुद्ध काम कर रहे होंगे। तो इसलिए दोस्तों हम आपको आज सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन एक्ट वर्क प्लेस, जो पॉश एक्ट के नाम से भी विख्यात है, उसके बारे में, उसकी टाइमलाइन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों हम आपको बताएं कि सबमिशन ऑफ कंप्लेंट, अगर किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट करनी है 3 महीने के अंदर, जो भी जब भी इंसिडेंट हुआ है विद इन 3 मंथ्स ऑफ द लास्ट इंसिडेंट, वो एम्प्लॉयर को अपने कंप्लेंट कर सकता है। तो क्या 3 महीने के अंदर की कंप्लेंट होनी चाहिए, अदरवाइज उसको हम कॉग्निजेंस में नहीं लेंगे। दूसरा, हम जब कंप्लेंट लेते हैं, मैनेजमेंट जब कंप्लेंट लेती है, तो नोटिस टू रिस्पोंडेंट जो है विद इन 7 डेज, कंप्लेंट मिलने के बाद 7 दिनों के अंदर वो नोटिस जो है रिस्पोंडेंट को मेंट कर देनी चाहिए, उसको कॉपी कंप्लेंट की रिसीव करा देनी चाहिए कि तुम्हारे अगेंस्ट ये कंप्लेंट है। उसके बाद इंक्वायरी कंस्टिट्यूट करनी चाहिए, ICC फॉर्म है जो वो इंक्वायरी कंप्लीट करेगी, और इंक्वायरी जो है 90 दिन के अंदर, इंक्वायरी स्टार्ट होने से 90 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या आप जानते थे? अगर जानते थे तो क्या ये आपको याद है? नहीं, भूल जाते हैं लोग। तो दोस्तों एज ए प्रोफेशनल हमें इन सारी चीजों को याद करना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों जब इंक्वायरी 90 दिन के बाद खत्म हो जाती है तो विद इन 10 डेज, 10 दिनों के अंदर क्या करना है, जो ICC है उसको 10 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट मैनेजमेंट को सबमिट करनी पड़ती है अपनी रिकमेंडेशन के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ICC है उसकी पावर सिविल कोर्ट के बराबर होती है। और जब वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट 10 दिन के अंदर अपने सबमिशन के साथ, अपने रिकमेंडेशन के साथ मैनेजमेंट को सबमिट करती है, तो 60 दिनों के अंदर रिकमेंडेशन का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए मैनेजमेंट के द्वारा। 60 दिन, कितने? जब मैनेजमेंट को ICC रिकमेंडेशन देती है उसके 60 दिनों के अंदर मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कंप्लेंट के ऊपर, उस इंक्वायरी के ऊपर, उस पे जो हमें उसकी रिपोर्ट मिली है उसके ऊपर हमें 60 दिनों के अंदर अवश्य ही कार्रवाई कर देनी चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही साथ जो रिस्पोंडेंट है जिसके अगेंस्ट इंक्वायरी की गई है उसके पास भी रेमेडी है, वो भी विद इन 90 डेज, 90 दिनों के अंदर, जब उसको सजा हुई इसके 90 दिनों के अंदर वो जो है अपील में, सिविल कोर्ट में अपील में जा सकता है। तो दोस्तों ये है टाइमलाइन सेक्सुअल हरासमेंट की। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी इंक्वायरी प्रभावित होगी, लिहाजा इस टाइमलाइन को याद करना बहुत जरूरी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा, और इसी तरीके के जो मेरी सीरीज है डू यू नो, आप क्या जानते हैं हमारे HR के बारे में, लेबर लॉस के बारे में, उसके बारे में मैं आपको अपने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा।